हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर 2 जून 2021, ठीक है। और इसमें हम जो करंट अफेयर्स लेते हैं वो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों न्यूज़ आर्टिकल से होते हैं, और हम करंट के साथ साथ उनकी जो स्टैटिक पार्ट्स होते हैं उन पे भी एमसीक्यू करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ब्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन है आपको, क्यों? क्योंकि अभी आप जानते हो ब्रिक्स के जो अभी फॉरेन मिनिस्टर, वो सारे फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उन सब की अभी एक मीटिंग हुई है, वर्चुअल मीटिंग। और वो द हिंदू में ये आर्टिकल आया था दैट ब्रिक्स विल हेल्प इंडिया फाइटिंग कोविड-19, सेज चाइना मिनिस्टर। तो उसी के ऊपर की ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री को लेकर ये क्वेश्चन बनाया गया, ठीक है। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्रिक्स। इंडिया इज चेयर ऑफ ब्रिक्स फॉर 2022 when the organization completes its 15th year of existence. The first summit of BRICS organization was held in 2009. Now, which of the following statement is correct? So, देखिए बड़ा ही सिंपल है ये। इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पता रहनी चाहिए। तो पहली चीज तो कि ये ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कब हुआ था, ये फॉर्म हुआ था 2006 में, ठीक है। और फिर 2009 में जो है, तो 2006 में फॉर्म हुआ एस ब्रिक, ठीक है। अभी जो है साउथ अफ्रीका नहीं था। 2009 में इसकी फर्स्ट सबमिट हुई, ठीक है। 2010 में जो है साउथ अफ्रीका इसका पार्ट बना, और ये जो डेट है ये है 2021। तो अभी का जो है 2021 में जो है इंडिया जो है चेयर करेगा ब्रिक्स को, नॉट इन 2022, ठीक है। तो ये 2021 है और इस ईयर में ये 15 ईयर्स हो जाएंगे इसको, ठीक है। तो आपका ये वाला वन स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, बट स्टेटमेंट टू जो आपका है वो है करेक्ट, ठीक है। अब प्लीज ये डेट्स ध्यान में रखना, ठीक है, कि 2006 में जो है ये फॉर्म हुआ था एस ब्रिक, साउथ अफ्रीका नहीं था। 2009 में फर्स्ट समिट और 2010 में साउथ अफ्रीका इसका पार्ट बना, ठीक है। तो अगर ये वन है स्टेटमेंट और ये टू है, तो वन गलत है, टू सही है। तो करेक्ट कौन सा है? टू ऑन, ठीक है, बी ऑप्शन टू ऑन, ठीक है। नाउ 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर ये क्वेश्चन है। अगेन ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है, अभी रिसेंटली जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है जूही चावला, उन्होंने जो है इसके अगेंस्ट एक प्ली फाइल की थी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, कि ये जो है हेल्थ को डैमेज करेगा, ठीक है। इनफैक्ट 5G को लेके काफ़ी कंसर्न ये भी है कई लोगों में कि इसके कारण जो रेडिएशन होगा वो हेल्थ को डैमेज करेगा, ठीक है। तो उसको तो वो तो चलिए एक ऐसा एस्पेक्ट है जो बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल है, जिसपे यू नो कोई फिक्स्ड व्यू नहीं है, जिसपे रिसर्च अभी चल रही है। बट हाँ, अब ये जो चीज है आपको ये पता होना चाहिए कि 5G वर्सेस 4G कि 5G के क्या बेनिफिट्स है, क्योंकि इंडिया में 5G के रोल आउट की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए इस टेक्नोलॉजी के बारे में और इस टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट, सबसे पहला जो आपका स्टेटमेंट है, इट हैज हायर स्पीड्स एंड हायर लेटेंसी कंपेयर टू 4G टेक्नोलॉजी। फॉर 5G कनेक्शन डेंसिटी इज लोअर कंपेयर टू 4G टेक्नोलॉजी एंड 5G विल हैव अ लेसर रेंज देन 4G। तो ठीक है, देखिए इसमें हम देखते हैं पहले ओवरऑल ही कंपेयर कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो जहाँ तक लेटेंसी मतलब ये देख ली, मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर है और ये सर्वर है, तो यहाँ से आपने कुछ डेटा का सिग्नल भेजा और वो वापस रिस्पॉन्स कितने, तो ये पूरा जो है इसको हम बोलते हैं लेटेंसी। इसमें जो टाइम लगता है इसको बोलते हैं लेटेंसी, या आपने सुना होगा नाम पिंग ऑल्सो, ठीक है, इसको पिंग बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए 5G का पिंग 1 मिलीसेकंड, मतलब बड़ी ही फास्ट रिस्पांस आता है, बहुत ही फास्ट रिस्पांस आता है 5G में, और 4G का 10 to 50, मतलब 4G में थोड़ा जो है डिले से रिस्पांस है। तभी आपने कई बार देखा होगा कि आपकी नेट स्पीड तो बहुत अच्छी आ रही है, बट फिर भी कुछ चीज़ें जो है लोड होने में बहुत टाइम लगती है, ठीक है। तो इनिशियली लोड होने में बहुत टाइम लगता है, वो होता है बिकॉज ऑफ लेटेंसी। अगर लेटेंसी बहुत ज़्यादा है तो थोड़े डिले से चीज़ें जो है रिस्पॉन्स आता है और लोड होती है, ठीक है। अब डेंसिटी मतलब एक एरिया में कितने कनेक्शन को सपोर्ट कर सकती है टेक्नोलॉजी, तो ये जो है 100K तक और ये 1 मिलियन। तो देखिए आप देख सकते हो, देखिए लेटेंसी जो है 5G की लेटेंसी क्या है, लोअर है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, स्पीड तो डेफिनेटली 5G की ज़्यादा है, ये तो सबको ही पता है, बट लेटेंसी लोअर। दूसरा कनेक्शन डेंसिटी की बात करें तो कनेक्शन डेंसिटी भी 5G की क्या है, हायर है, तो ठीक है ये भी गलत है। तो स्टेटमेंट वन भी गलत है, टू भी गलत है, ठीक है। अभी लास्ट है 5G विल हैव लेसर रेंज देन 4G। तो इसमें देखिए ये वाला स्टेटमेंट जो आपका सही है, ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए 5G जो है जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाती है वो ऑब्स्टिकल्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाती,
4G ज्यादा इजीली पेनेट्रेट कर पाती है, इसलिए 4G की जो है लॉन्गर रेंज है कंपेयर टू 5G। प्लीज कीप दिस इन माइंड, ये एक डिसएडवांटेज है 5G का। तभी 5G के लिए जगह जगह पे जो है हमें वो चाहिए होंगे नोड्स या पॉइंट जहां जो है सिग्नल जाके एम्पलीफाई हो सके। ठीक है, अब आपसे पूछा है इनकरेक्ट, इसको ध्यान में रखना चाहिए हमेशा, तो इनकरेक्ट है 1 और 2। ठीक है, सो 1 और 2 आर योर इनकरेक्ट ऑप्शन। तो आंसर हो गया आपका ए। ठीक है, तो आपको पता चल गया 5G का कि देखिए लेटेंसी में 5G की बहुत कम है, डेंसिटी 5G की ज्यादा है, थ्रूपुट मतलब कितना डेटा एक बार में जा सकता है वो भी 5G का ज्यादा है, स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी मतलब कितने एफिशिएंटली वो स्पेक्ट्रम को यूज करता है वो भी 5G का ज्यादा है, ट्रैफिक कैपेसिटी वो भी ज्यादा है, नेटवर्क एनर्जी एफिशिएंसी मतलब अगर कोई मोबाइल आप 4G यूज कर रहे हो और एक तरफ 5G यूज कर रहे हो तो 4G यूज करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी कंपेयर टू 5G। ठीक है, 5G में कम एनर्जी लगेगी, 15% जो है सेविंग्स होगा एनर्जी का। ठीक है, 15% सेविंग, तो 5G जो टेक्नोलॉजी है एनर्जी कम खाती है। ठीक है, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्वाड, अनदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज में थी, ये आपने अगर पढ़ा होगा एडिटोरियल आर्टिकल, तो इस पे क्वाड की बात की थी और कह रहे थे कि जो इंडिया को डिप्लोमेसी के थ्रू क्वाड के जो मेंबर्स स्पेशली यूएस है उनको कन्विंस करना चाहिए कि वो वैक्सीन्स जो है और उनके मटेरियल्स जो है इंडिया को प्रोवाइड करें। ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्वाड के रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वाड इज अ ग्रुपिंग ऑफ इंडिया, यूएसए, फ्रांस, जापान। ठीक है, तो देखिए इज इट करेक्ट, नो इट इज इनकरेक्ट। ठीक है, इट इज इनकरेक्ट, फ्रांस नहीं है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो क्वाड जो ग्रुपिंग है इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान की ग्रुपिंग है। ठीक है, एंड इट एम्स टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक नेशंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन एंड एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस। तो ये जो है ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए क्वाड का एक एम जो है, क्वाड का एम जो है उसे बोलते हैं फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। तो ये एम है क्वाड का। ठीक है, तो ये जो है आपका इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। एंड इट इज ऑफन डब्ड एज एशियन और मिनी नेटो एंड व्यूड एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइनाज मिलिट्री एंड इकोनॉमिक क्लाउड इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ये भी आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन 1 इज रॉन्ग, ऑप्शन 2 और 3 आर करेक्ट। तो इसका आंसर आपका हो जाता है बी। ठीक है, तो बी इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। नाउ ये क्वेश्चन आपका चाइल्ड लेबर पे है, चाइल्ड लेबर पे। तो ये बेसिकली आर्टिकल आपके द हिंदू में आया था और इसमें बताया गया कि पैंडेमिक के कारण जो है चाइल्ड लेबर को जो फैक्टर्स प्रमोट करते हैं वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गए। तो इसीलिए जो ऐसे चाइल्ड लेबर की ये साइकिल होती है पूरी, क्योंकि जो लोग गरीब होते हैं वो लोग उनके बच्चे जो है चाइल्ड लेबर में लगते हैं, चाइल्ड लेबर में उनके बच्चे लगते हैं, इसीलिए जो उनके बच्चे एजुकेशन नहीं मिलता, उनकी हेल्थ खराब हो जाती है और इसलिए आगे जाके वो इतना प्रोडक्टिव नहीं बन पाते और उसके कारण फिर उनके भी जो बच्चे होते हैं वो एक साइकिल की तरह चाइल्ड लेबर में फंस जाते हैं। तो इसको अगर ब्रेक करना है तो वो इंडिया के हाथों में ही है। ठीक है, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चाइल्ड लेबर इंडिया। तो आर्टिकल 24 आप सबको पता है होगा, इट प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर और आर्टिकल 24 क्लियरली कहता है कि 14 साल से कम के बच्चे जो हैं उनको जो है फैक्ट्रीज वगैरह हजार्डोस एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय नहीं करना। ठीक है, तो ये करेक्ट है। अब सेकंड है आपका, चिल्ड्रन बिटवीन 14 टू 18 ईयर्स ऑफ एज आर कैटेगराइज्ड एज एडोलेसेंट्स एंड आर नॉट अलाउड टू वर्क इन हजार्डोस ऑक्यूपेशन। तो ये भी करेक्ट है। इनफैक्ट चाइल्ड लेबर एक्ट 2016 और उसके बाद जो इसके रूल्स आए 2017 में, जो इसके रूल्स आए उन्होंने ये पोजीशन की है करेंटली कि देखिए ये जो फंडामेंटल राइट है इसमें तो ये कहा है कि जो है बिलो 14 इयर्स के जो चिल्ड्रन है उनको हजार्डवस एक्टिविटी में नहीं एम्प्लॉय करना। ठीक है, बट ये जो है आपका यहाँ पर जो चाइल्ड लेबर एक्ट जो लाया गया था 2016 में, उसने कहा है कि बिलो 14 ईयर्स किसी भी चिल्ड्रन को कहीं भी नहीं एम्प्लॉय करना। बस दो एक्सेप्शन है, एक की फैमिली वर्क में और दूसरा है एज आर्टिस्ट। तो इन दो एक्सेप्शन को छोड़ के बिलो 14 ईयर्स के चिल्ड्रन को कहीं भी एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा और जो 14 टू 18 है उनको एम्प्लॉय किया जा सकता है बट उनको हजार्डुअस एक्टिविटी में एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा। ठीक है,
ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. नाउ दिस इज ऑल्सो करेक्ट दैट इराडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर इज पार्ट ऑफ यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट. तो देखिए, अब आप सोचोगे कि ऐसे आपको क्या हर एक जो चीज को याद रखना पड़ेगा? नहीं, आप ऐसा मत करना कि हर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखे उसका हर एक टारगेट देखे. रादर जब भी आप कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज देखे, जैसे चाइल्ड लेबर हो गया या हाउसिंग हो गया, तो आप ट्राई टू उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि वो कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेट करता है. तो ये तीनों करेक्ट हैं आपके. ठीक है, आंसर इज डी, 1, 2 and 3. नाउ लास्ट है आपका रिगार्डिंग दी LTRO. तो ये जो आर्टिकल आपने द हिंदू में आया था, इसमें जो है एक क्रिटिकल अप्रेजल किया था मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी का. ठीक है, और उसमें मेंशन किया गया था LTRO के बारे में. तो आप सब जानते होंगे रेपो क्या होता है. रेपो जब RBI जो है बैंक्स को जो है शॉर्ट टर्म लेंडिंग देता है बैंक्स को. ठीक है, बैंक्स को शॉर्ट टर्म. और ये लेंडिंग भी जो बैंक्स क्या देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, कोलेटरल देते हैं, उन सिक्योरिटी के अगेंस्ट शॉर्ट टर्म लेंडिंग देता है RBI टू बैंक्स. ठीक है, शॉर्ट टर्म मतलब कितना, या तो ओवरनाइट या मैक्सिमम 14 डेज का, 7 डेज और 14 डेज भी होता है. तो ये तो आपका हो गया रेपो. तो लॉन्ग टर्म क्या हुआ, मतलब इसका टर्म बढ़ा दिया, और कितना बढ़ा दिया, 1 to 3 years. ठीक है, 1 to 3 years जो है टर्म बढ़ा दिया इसका. ठीक है, तो ये जो आपका वन है ये आपका करेक्ट हो गया. अब दूसरी चीज क्या है, देखिए, अब जो पैसा जो है बैंक्स को रेपो में मिलता था, रेपो ऑपरेशंस के थ्रू मिलता था, वो बैंक्स कहीं भी यूज कर सकते थे. बट जो पैसा बैंक्स को RBI लॉन्ग टर्म रेपो के थ्रू लेंड कर रहा है, वो पैसा सिर्फ वो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में ही यूज कर सकते हैं. तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म रेपो एक स्पेशल मेजर है, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स जो कोविड से ज्यादा इम्पेक्टेड है उनको लेंडिंग करने के लिए ही LTRO के थ्रू जो है RBI बैंक्स को पैसा देता है लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि वो उनको लेंड करे. ठीक है, इससे लिक्विडिटी को एड्रेस करने की कोशिश की गई है, लिक्विडिटी को एड्रेस. तो वन आपका करेक्ट है, टू भी करेक्ट है, बट ये जो थर्ड है आपका, RBI's अदर टूल्स सच एज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड MSF बोरो बैंक्स यू नो ऑफर बैंक्स मनी फॉर देयर इमीडिएट नीड्स रेंजिंग फ्रॉम 30 to 60 days. तो देखिए, ये 30 to 60 days नहीं होगा, ये अगेन MSF जो होता है ओवरनाइट बोरोइंग्स के लिए होता है, इमीडिएट नीड्स होता है, बट बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है. ठीक है, तो ये वाला आपका इनकरेक्ट है. ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, वन एंड टू आर करेक्ट, एंड योर थर्ड वन इज इनकरेक्ट. तो इसका आंसर आपका हो जाता है A, 1 and 2 ओनली. तो दिस सम्स अप आवर डिस्कशन फॉर टुडेज MCQ. एंड अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, एंड इफ यू वॉन्ट टू मोर सच MCQs, तो सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल to regularly follow these sessions. Thank you very much.